बट जो उन्होंने लॉन्च किया वो एक मोकरी थी गेमिंग इंडस्ट्री की इट फील्स एज इफ़ इस गेम को कुछ ओल्ड आउट ऑफ टच विद रियलिटी एंड गेम्स इन जनरल लोगों ने डेवलप किया है जैसे ही आज जैसे कि आज, आज आप लोग जानते हो हमारे सीनियर्स एल्डर्स हमें बोलते हैं ना कि ये क्या बच्चों वाली चीज़ खेल रहे हो बस उसी तरह की मैंटेलिटी वाले लोगों ने ये गेम डेवलप की है इस गेम को एक क्रेडिट देना ज़रूर चाहिए कि इस गेम का आर्ट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड वॉइस एक्टिंग भी हिंदी में है तो काफ़ी डिसेंट है बट दैट सेट इस गेम में एक और कोई भी पॉजिटिव नहीं है ये गेम आज तक की वर्स्ट गेम है जो मैंने खेली हो इस गेम में जीरो स्टोरी है जीरो लव फॉर द प्रोजेक्ट है जीरो लव फॉर द गेम्स है जीरो लव फॉर द एफ जीरो लव फॉर द यू नो गेमिंग कल्चर है एंड जीरो एफर्ट डाला गया है ये गेम इंडियन डिवेलपर्स की बेस्ती है ना आई डिवेलपर्स की बट इंडिया की एंड उसके गेमर्स की फॉर अ सेकेंड इमेजिन करो कि तुम वेस्टर्न हो या किसी और कंट्री के हो यू वुड थिंक इंडिया जो कि इतनी बड़ी कंट्री है विद सो मैनी पीपल वहाँ पर कितना टैलेंट होगा एंड अगर कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री से तो यू वुड थिंक कि चलो इतने लोग हैं कोई ना कोई अच्छी गेम तो बन ही जाएगी क्योंकि टैलेंट होगा बट देन यू सी दिस शेट एंड यू वुड थिंक इन इन सच अ बिग कंट्री विद सच अ बिग रिच हिस्ट्री एंड सच अ गुड कल्चर इज दिस रियली द बेस्ट दे कुड हैव मेड लुक मैनी पीपल विल टेल मी कि यार इंडियन डिवेलप गेम है एंड वी शुड सपोर्ट इट भाई मैं सपोर्ट करूंगा बट एट मेक समथिंग जिसमें कुछ सब्सटेंस तो हो जिस गेम डजेंट हैव एनी गन्स वट यू हैव आर स्पेयर एंड मिली वेपन्स ये गेम अगर नाइन्टीज़ में भी रिलीज होती तो मैं तब भी इस गेम को प्रेज नहीं करता दिस इज़ नॉट इवन बेयर मिनिमम ऑफ अ गेम और बेयर मिनिमम ऑफ एफर्ट इन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया इस गेम को डिवेल्प करने में इंस्टेड पूरी तरह से कोशिश की है कि पेट्रिजम के नाम पर किसी भी तरह पैसे अर्न कर लें द साउंड इफेक्ट्स आर बैड कॉम्बैट इज़ हिलारियसली बैड एंड देर इज़ नो ए आई इन एनिमीज देर इज नो स्टोरी और समथिंग टू कीप यू इंगेज द ग्राफिक्स आर हॉरिबल द गेम प्ले इज़ हॉरिबल एवरी थिंग इज़ हॉरिबल इस इन सब में एक पॉजिटिविटी जरूर है कि थैंक गॉड इस गेम को क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने एंड खेलना बंद कर दिया एंड ये शो किया कि पेट्रियजम के नाम पर शिट को कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहेगा इस गेम के डेवलपर्स ने हंड्रेड परसेंट एफर्ट जो है वो अपना फेक रिव्यूज़ और अक्षय कुमार से ट्वीट करवाने में लगा दिया दिस विल शो द डेवलपर्स डेट इंडियंज आर नॉट स्टूपिड एंड नाव आई होप इन फ्यूचर कोई भी ऐसा काम करने सोचेगा भी नहीं दैट्स इट गाइज आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस गेम बिकॉज ये गेम से मैंने कभी भी एक्सपेक्टेश नहीं रखी थी इन द फर्स्ट प्लेस वट आई एम डिसअॉइंटेड विद इज द फैक्ट दैट ऑल दी शो कोल्ड टेक यूट्यूबर्स टेक बर्नर ट्रैकिंग टैक मैं सब call out इन सब को कॉल आउट कर रहा हूँ बेसिकली इन सब यूट्यूबर्स ने इस गेम को प्रेज इतना ज़्यादा किया इतना ज़्यादा किया ऐसा शो किया जैसे कोई ट्रिपल ए टाइटल लॉन्च हो रहा हो वेर एज नन ऑफ दैम केयड और गेव अ सिंगल फ्लाइंग फक अबाउट राजी द एंशियन टिक टेल मी वन थिंग अपने ही हार्ड वर्किंग इंडियंस जिन्होंने पाँच पाँच सात साल लगाकर एक अच्छा इंटरनेशनली वेल रिसीव्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया उसको इन्होंने इग्नोर किया और स्कैमर्स का प्रोडक्ट जो कि प्रमोट ही नहीं करना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस उसको प्रमोट कर कर के पैसे कमाए तो ये पेट्रियाज़म है क्या किस एंगल से पेट्रीज़म है ये गेम को अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल में दूँ ना जो कि समझ नहीं पा रहे मेरी बात ये पता कैसी गेम है कि आप अगर एनीमे देखते हो ड्रैगन बॉल जी या नारूटो वगैरह और आप फिर इंडिया में आकर देखते हो कि इंडियन इंडियन एनिमेटर्स जो हैं उनको आइडिया नहीं है एनीमे क्या होता है बट वो सोच रहे हैं कि कार्टून है तो वो इंडियन एनिमेटर्स जो हैं छोटा भीम बना देते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों से सेम टाइप का मजा लो और अगर आप कंप्लेंट करो तो वो बोलें कि दोनों ही तो कार्टून है भाई दोनों में फ़र्क क्या है वही इस गेम के साथ हुआ है डेवलपर्स को लगता है कि जो गेम है वो बस कार्टून्स हैं गन्स हैं फायरिंग है स्टोरी कौन देखता है गेम प्ले मैकेनिक कौन देखता है और उन्होंने भी इस गेम को लॉन्च कर दिया बट रियलिटी आप सबको पता है कि क्या है सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दिस वाज बेसिकली अ रैंट इसमें रिव्यू करने का कुछ था ही नहीं इस गेम को बट एंड मैं यही बोलूँगा कि हमारे इन यूट्यूबर्स को जो है ना शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इन्होंने क्या चीज़ गार्बेज को प्रमोट किया एंड राजी जैसी गेम को मेरा सच में यार दिल दुखता है मुझे नहीं लगता राजी वाले कभी दोबारा गेम भी बनाएंगे आखिर हम इंडियंस ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन्होंने इतनी मेहनत की एंड ऐसी फेक पब्लिसिटी फ्री की पब्लिसिटी दे रहे हैं सो या दैट्स द रियलिटी एज ऑफ नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज टू क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज एंड क्रिटिसाइज दी प्रोडक्ट्स सो टेक केयर दिस इज आयुष शर्मा फ्रॉम हैश टैग गेमिंग साइनिंग ऑफ टू स्वीट इज वाइज फॉजी का इंडिया में ऑफिशियल रिलीज Happy Wedges!